वेलकम टू चेतीज कुकिंग। आज बनाने वाली हूँ रसगुल्ले। तो आज हम दिखाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कैसे सॉफ्ट रसगुल्ले बनाया जाता है। यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। अब दूध को बहुत ही अच्छी तरह से उबाल लेना है। यहाँ आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल क्रीम दूध लेने से इसका छेना ज्यादा आता है। दूध में उबाल आ जाने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ एक कटोरी में ले लेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून पानी। यहाँ आप विनेगर के जगह एक नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट बाद दूध में हम ये विनेगर पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और चलाते जाएंगे जब तक छेना बन के तैयार ना हो जाए। देखिए यहाँ पर छेना बन के तैयार हो गया है। अब हम छेने को पानी से अलग कर लेंगे। एक छन्नी के ऊपर कॉटन का एक सफेद वाला कपड़ा डाल दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे छेना। छेने में थोड़ा पानी डालते हुए चला लेंगे, उससे विनेगर का जो टेस्ट है वो चला जाएगा। अब इस कपड़े को टांग के रख देंगे 1 घंटा के लिए। इससे सारा पानी निकल जाएगा और फिर हम उससे बनाएंगे रसगुल्ले। एक घंटा बाद छेने को हम कपड़े से निकाल लेंगे और हल्के हाथों से इसको मसाज करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ज्यादा मसलने से छेने से घी निकल जाता है और उससे रसगुल्ले टाइट बनते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हल्के हाथों छेने को मसलना है। घर में बनाए हुए रसगुल्ले प्योर हेल्दी और फ्रेश होते हैं और रसगुल्ला बनाना बहुत ही इजी है। पूरा वीडियो देख के आप प्रोसेस फॉलो कीजिए और घर में बनाइए। कंप्लीट डो बनाने तक हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। मैदा डालने से पहले 3 से 4 मिनट और मैदा डालने के बाद 2 मिनट। छेने का जो डो बनेगा उसको बहुत ही स्मूथ बनाना है, पर हल्के हाथों से। यहाँ डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदे का क्वांटिटी बढ़ा देने से भी रसगुल्ले टाइट बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1 या 1.5 चम्मच ही मैदे का इस्तेमाल करें। मैदे को 2 मिनट तक मिला लेंगे, फिर इसका डो बना के हम इससे लुई तोड़ लेंगे। एक लीटर दूध से आप 10 से 11 स्टैंडर्ड साइज के रसगुल्ले बना सकते हैं। तो रसगुल्ले को शेप देते वक्त इसके सरफेस पे कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। रसगुल्ला उबालने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। यहाँ ले लिए है 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी। डालेंगे 2 इलायची और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे।
अच्छे से उबाल आ गया है, अब हम एक एक करके रसगुल्ले को डाल देंगे चाशनी में। हाई फ्लेम में इसको पका लेंगे 10 मिनट। आप नोटिस कीजिए रसगुल्ला फुल के डबल हो चुका है। 10 मिनट बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा रसगुल्ला बनके बिल्कुल तैयार है। इसको आप गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करने के बाद भी सर्व कर सकते हैं। तो घर में रसगुल्ला बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना। अगर रसगुल्ला आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।